हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज आपके लिए हम लेके आए हैं डेमोलिश हैमर, जो डीवाई के ब्रांड से आती है। ये 16 किलो की डेमोलिश हैमर है और ये 2300 वाट में आती है। हाई पावर मशीन है और ये गाइस बिल्कुल एंटी वाइब्रेट है। ये बिल्कुल बॉडी को वाइब्रेट नहीं करती है। ये इसमें एक नया एडिशन ऑप्शन है जो बिल्कुल ये एंटी वाइब्रेट सिस्टम से आती है और इसका मॉडल नंबर है D5BEE01 15XB और ये 100% वाटर प्रूफ मशीन है गाइस। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग प्लस टेस्टिंग करके आपको बताएंगे किस हिसाब से काम करती है। तो आइए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहता है। ये रेशियो रेट आके इसका 220 और 240 रेट में चलती है ये, और वैट इसका 2300 वैट आता है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इसको कंपनी को इतने मिले हुए हैं दोस्तों। तो आइए गाइस, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ इसमें कितना क्या फंक्शंस है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं अभी। तो गाइस, इसका बहुत ही मजबूत बॉक्स है जो PVC बॉक्स बोलते हैं इसको। ये PVC में आता है और ये DYK की ब्रांडिंग हो चुकी है और इसके साथ में आपको एडिशनल दो व्हील भी दिए जाते हैं जो कैरी करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह अगर इसको किधर भी लेके जा रहे हो तो इसको आसानी से इसमें आप कैरी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला टूल बॉक्स है जो ये DYK ब्रांड से आता है। तो गाइस, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ अभी। इसका लॉक हमने खोल लिया है। देखिए गाइस, इसमें आपको मिलता है एक फर्स्ट यूज़र मैनुअल और प्लस इसमें एक जोड़ी कार्बन है और इसके साथ में आपको मिलता है एक पॉइंटेड चिजल और एक और ये फ्लैट चिजल है। आप देखिए, ये पॉइंट फ्लैट चिजल है और ये पॉइंट चिजल है। ये दो चिजल मिलते हैं इसमें और इसके साथ में आपको टूल किट मिलता है जो स्पैनर किट है और इसके साथ में आपको एक ग्रीस ट्यूब भी मिलता है गाइस, जो कि इस बॉक्स को मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद में आपको एक एक डिटेल से समझाता जाऊँगा किस प्रकार से ये काम करती है और ये कितने किलो की है और इसका एंटी वाइब्रेट कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मैं इसको भी थोड़ा जल्दी इस बॉक्स को हटा दूँ। तो गाइस, मैंने इसका बॉक्स साइड में रख दिया है, अभी मैं आपको एक एक से बताता जाऊँगा। ये देखिए गाइस, DYK की ब्रांडिंग हो चुकी है जो एकदम ओरिजिनल ब्रांडिंग में आती है और ये देखिए, इसको बोलते हैं हम एंटी वाइब्रेट सिस्टम। इसमें स्प्रिंग रहती है जो बॉडी को बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती है। तो देखिए गाइस, इसमें दो स्प्रिंग लगी रहती हैं जो कि ये एंटी वाइब्रेट का काम करती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखिए ऐसे अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऐसे वाइब्रेट करती हैं। तो ये इससे क्या होता है, अपनी बॉडी को पेन नहीं होता है और यूज़र्स को बॉडी में पेन नहीं होगा और आसानी से इससे काम करेगा, बॉडी इसको पेन नहीं करेगी। तो गाइस, इसमें आइए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा नज़दीक का दिखाइए। ये देखिए, इसके ब्रांडिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डेमोलिश हैमर है, 2300 वाट में आती है। तो मैं इसकी आपको एक टेस्टिंग करके बता देता हूँ गाइस, ये किस प्रकार से और कैसे काम करती है। ये बहुत ही अच्छी मशीन है, 16 किलो की आती है ये, लगभग 16 किलो रहती है ये और आसानी से बड़े से काम को भी बहुत ही अच्छे आसानी से कर देती है। इसमें क्या है, मेंटेनेंस फ्री है गाइस, ये एकदम मेंटेनेंस फ्री रहती है, आप इसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं और ये आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा प्रोडक्ट। जो भी DYK का डीलर होगा उसके पास आपको ये प्रोडक्ट आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आइए गाइस, मैं इसको चिजल को इंस्टॉल करके बताता हूँ ये किस प्रकार से इंस्टॉल होती है। तो हमने चिजल ले ली है, जिसका लॉक जोन से साइड रहता है वो कटिंग उसी साइड हम डालेंगे और ऐसा इसको अंदर प्रेस कर देंगे और इसको लॉक को बाहर खींच के ऐसे दोबारा मोड़ देंगे। तो गाइस, ये अभी लॉक हो चुकी है। अभी हम आपको इसकी टेस्टिंग करके बताएंगे कि किस प्रकार से काम करती है ये। तो गाइस, इसमें एक टैंक भी दिया हुआ था है, यहाँ पे हम ऑयल डालते हैं। तो कंपनी की तरफ से भी ऑयल और ग्रीस दोनों सिस्टम आते रहते हैं, कभी कोई मशीन में ऑयल आता है, कोई मशीन में ग्रीस आता है। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि ऑयल मशीन में ऑयल है या ग्रीस है। तो आइए, मैं अभी आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ ये किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए जल्दी टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो आइए गाइस, मैं इसको आपको भी टेस्ट करके बताता हूँ ये किस प्रकार से काम करती है। तो गाइस, ये इसका हैंडल है, इसको आप इसका स्क्रू लूज करके आप इसको कौन से एंगल में भी सेट कर सकते हो। जैसे आपका एंगल सेट हो जाए उस हिसाब से आप इसको सेट करके इसको टाइट कर देना।
अब हमने टाइट कर लिया है इसको, हमने हमारा एंगल सेट कर लिया है। ये देखिए गाइस, अभी हम इसको चालू करके टेस्ट करके बताते हैं कि किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही वाइब्रेट मार रही है, पर मेरी बॉडी को बिल्कुल शेक नहीं कर रही है। थोड़ा अभी हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि वो थोड़ा इसको हैंडल को दिखाए कि हमारे हाथ को शेक नहीं कर रही है, ये वाइब्रेट नहीं कर रही है। ये देखिए, थोड़ा सामने लेके आइए कैमरे को और बताइए, इसको बताइए वाइब्रेट नहीं करेगी। देखिए अभी ये देखिए, मेरे हाथ को बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है और ये पत्थर को बहुत ज़ोर से हैमर मार रही है, फिर भी मेरे हाथ को बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मशीन है और इसका फंक्शन बहुत ही अच्छा है। आप इसको बड़े से बड़े काम में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए डेमोलिश ब्रेकर, जैसे कि घर फोड़ने के लिए, दीवार कॉन्क्रीट फोड़ने के लिए, RCC रोड फोड़ने के लिए, सबके लिए काम आती है। इससे आप पत्थर भी फोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी मशीन है। तो गाइस, मैंने इसको आपका पूरा अनबॉक्सिंग कर दी है और इसका टेस्ट रिव्यू भी बता दिया है कि किस प्रकार से ये काम करती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप मिस ना करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।